बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। सभ्यता का दौर शुरू होने से पहले भी मानव समूहों में ही रहते थे ताकि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आज भी समूह की आवश्यकता है और एकता की आवश्यकता है ताकि अपने समूह की ताकत, अपनी एकता की ताकत से हम आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को सुधार सकें। भारत के ऋषियों ने, भारत के मुनियों ने आज से हजारों साल पहले उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया और सिद्धांत ये था कि एकता का आधार आपकी त्वचा का रंग क्या है ये नहीं हो सकता, आप क्या भाषा बोलते हैं ये नहीं हो सकता, आप किस तरह पूजा अर्चना करते हैं ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि मानव एकता का सबसे बड़ा आधार एकात्मता है। अगर हमें हर चीज में दिव्यता नजर आती है तो हम किसी भी चीज के साथ क्रूरता का व्यवहार कैसे अपना सकते हैं? लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले विकास और प्रगति के नाम पे पूरी दुनिया में विकृति के साथ वो क्रूरता अपनाई गई। मैं महाराज को, स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर मानव जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है, उस पर ये इतना बड़ा आयोजन किया है। और मुझे विश्वास है कि इससे एक नई चेतना पैदा होगी और वो नई चेतना में भारत के लोग, भारत की सरकारें, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में इस चेतना को एक नया आयाम देंगे और इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।